ब्लेंडर मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मर्डर करने का आरोपी किया गिरफ्तार। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने ब्लेंडर मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मर्डर करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र की अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने ब्लेंडर मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मर्डर करने के आरोपी में विक्टर जोन मैटेरियो उर्फ सोनू पुत्र जोन वासी साईचरण थाना कोपखेना नई मुंबई महाराष्ट्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए सहायक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 4 अप्रैल 2023 को थाना शाहबाद में अमरजीत पुत्र पुन्नू राम वासी रतनगढ़ थाना शाहबाद कुरुक्षेत्र ने दिए अपने बयान में बताया कि वह खेती बाड़ी का काम करता है। दिनांक 4 अप्रैल 2023 को सुबह 9:30 बजे जब अपने खेत में के रास्ते एक निर्माणाधीन भवन के पास पहुंचा तो उसे अचानक नौजवान लड़का पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने नीले रंग की जींस पैंट और मैरून रंग की हाफ बाजू की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके पास ब्लैक एंड व्हाइट सफ़ेद रंग की चप्पल पड़ी हुई थी जिसकी बाई बाजू पे टैटू गुदा हुआ था, जो मृतक नामालूम लड़के के गले में रस्सी नुमा लाल रंग का कपड़ा खींचकर बंधा हुआ था। इसे प्रतीत हुआ कि मृतक नाम पता मालूम नौजवान लड़के की हत्या किसी ने की है। जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि नौजवान व्यक्ति की अनआइडेंटिफाइड बॉडी रतनगढ़ शाहबाद क्षेत्र में मिली थी जी। तो उसका गला दबा के उसकी हत्या की गई थी जी। तो ये बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था। इसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे CIA 2 की टीम के द्वारा इसको थोड़ी इन्वेस्टिगेशन किया गया जी और डिटेल्स वगैरह सारी प्राप्त की गई जी। तो इसमें इस ब्लाइंड मर्डर को खोलते हुए हमने एक जिसने हत्या की है जी वो विक्टर जॉन मेंटोरिया जो इसका ही दोस्त था जी, बॉम्बे का रहने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार किया। इससे पहले हमने इसके ब्रदर को हिरासत में मुंबई हमारी टीम मुंबई गई थी जी, को हिरासत में ले गई उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसका ब्रदर चंडीगढ़ रहता है। हमने चंडीगढ़ से जिसने हत्या की है उसको हमने गिरफ्तार किया है और हमने उसको अभी तो कोर्ट में माननीय अदालत में पेश करके 2 दिन को पुलिस रिमांड किया है और उससे और गहनता से पूछताछ की जाएगी। उसने कुछ और फैक्ट बताए इन्वेस्टिगेशन के, उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और बरामदगी भी की जाएगी।